वहम की बीमारी जिसको होती है, उसको ऐसा लगता है कि सचमुच वो हो रहा है, वो घटित हो रहा है, वो व्यक्ति का उसके ऊपर विश्वास होता है और उस मुताबिक वो अपना बर्ताव भी करते रहता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वहम की बीमारी के बारे में। आइए, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, मुंबई, पुणे यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है और यहाँ मनोविकार तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं उसके बारे में मैं केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। यह एक लेडी है, प्रोफेशनल सीक्रेसी के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बता सकता नहीं हूँ, उनको बता सकता नहीं हूँ वीडियो में, उनका मैं आपको ऑडियो बताऊँगा, सुनाऊँगा। तो उनको ये प्रॉब्लम है, अराउंड उनकी एज 40 ईयर्स की है और उनको अभी तक मेरे पास में 2-3 बार लाया गया और उनको ये वहम होता है कि उनके करीब के जो लोग हैं, उनके देवर जो है और कोई रिलेटिव जो है, उन्होंने उनके घर में कैमरे फिट करके रखे हुए और एलईडी बल्ब के अंदर वो कैमरे है और जहाँ वहाँ उनके घर में कैमरे ऑडियो सिस्टम फिट करके रखी हुई है ताकि वो जो भी कर रहे हैं उनको समझ में आता है। वो उनके घर में चोरी करते हैं, कपड़े ले जाते हैं, कपड़े चोरी करते हैं, रहते ऊपर उनके उनके घर में घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं और फिर कपड़े छोटे कर लेंगे, बड़े कपड़े होंगे तो काट देंगे कपड़े, पैसे चुराएंगे या चीज़ें चुराएंगे और उनका जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया हुआ है। तो वो जो है वो है उनको बहम और उनका पक्का विश्वास है कि वो है ही, उनको कोई डाउट नहीं उसके बारे में। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट किया हुआ है मगर पुलिस ने उसकी ज़्यादा मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं किया उसका, क्योंकि पुलिस को भी पता चला होगा शायद कि भाई ये जो है वो गड़बड़ वाली बात है और कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ये जो लोग रहते हैं ना, ये पेशेंट, ये बाकी उनके बर्ताव में एकदम ठीक रहते हैं, सिर्फ वो पक्का जो है थॉट दिमाग में बैठा रहता है विचार कि ये ऐसा ही है, लोग अपने खिलाफ है, लोग अपने लिए कुछ तो भी कर रहे हैं, अपने बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो चलो आइए, उनका वीडियो जो मैंने निकाला था मगर आपको सिर्फ ऑडियो सुना रहा हूँ वो आपको बताते हूँ। हाँ जी, तो हम अभी इनसे पूछते हैं जो हमारे तरफ इलाज कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है, आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको क्या लग रहा है उसके बारे में, आपका क्या कहना है कि आपको जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में क्या कहना है, जरा आप बताइए। जी, 2 साल पहले, 2.5-3 साल पहले से बहुत मतलब समझ में आ गया कि घर में ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा है, ऑडियो विजुअल एड्स लगे हैं, स्पीकर्स लगे हैं और उसके थ्रू दूसरे लोग मतलब घर के ही दूसरे लोग बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो बातें कर रहे हैं वो बगैर ज़रूरी बातें करते हैं, अवाजिब बातें करते हैं। जैसे कि मतलब हम लोग में लड़ाई झगड़े हो, तीनों में या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो इस तरह से, और भिलाई में भी कैमरे हैं, हॉल में लगे और किचन में लगे और ऑडियो सिस्टम भी लगा है और रायगढ़ में भी लगा है और जहाँ हम रह रहे हैं भानु प्रतापपुर में वहाँ पर भी किचन में ऊपर लगा है ऑडियो वीडियो पूरा, दोनों कैमरा लगा है। वो अनऑथराइज इलीगल है और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बात करते हैं मुझसे तो वो ऑथराइज भी हो जाएगा क्योंकि परेशान भी उतना ही कर रहे हैं वो सब लोग। तो ये जो कैमरे लगाए हैं, ऑडियो वीडियो लगाए हैं, ये कैमरे लगाए हैं, तो ये काहे के लिए लगाए, किसने लगाए और क्यों लगाए? बस डाउट मेरा वही फोटो स्टूडियो वाला देवर है, उसी पे पूरा पूरा 100% डाउट उसी पर है। और किस लिए लगाए, क्यों लगाए, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हम लोग को, बहुत सारी बातों पर परेशान कर रहा है, तब वो डाउट पूरा पूरा उसी के ऊपर जा रहा है। हाँ, मतलब तो आपका कहना है कि आपको जो देवर है उसने वो आपके घर में कैमरे लगाए हैं, मगर वो कैमरे दिखते हैं कि आपको कहाँ लगा है? तो फ्लैश चमकता है, कोई रेसिपी डिस्कस करता है तो कोई कुछ बात करता है, फ्लैश चमकता है तो मतलब फोटोज भी खींचते हैं तो समझ में आ जाता है कि वीडियो कैमरा भी है, ऑडियो भी है, बात भी करते हैं। अच्छा, आपको समझ में आता है मगर दिखता नहीं है कैमरा है करके? नहीं है, लेकिन है कैमरा, वो एलईडी लाइट का जो ये रहता है होल्डर उसमें है वो। अच्छा, वो जो देवर ने कैमरा लगाया एलईडी लाइट के अंदर और वहाँ से वो शूटिंग करके वो पूरा देख रहा है, तो उसने क्यों किया ऐसा, क्या कारण?
परेशान तो बात शुरू से ही कर रहा है वो, और आजकल तो और ज़्यादा परेशान कर रहा है। चाबियाँ हमारे घर की मांगता है, भिलाई में सबके अलग अलग घर हुए हैं, मतलब ऊपर नीचे घर है, बाबा आई ने मतलब सास ससुर ने अलग अलग करके दिया है पूरा, बावजूद उसके वो घर के हमारे घरों की चाबियाँ मांगते रहता है, चुराता भी रहता है, हक से भी मांगता रहता है, डुप्लीकेट भी बनाता है हमारे सामने सामने पूरे हफ्ता भर रेगुलर डेली डेली हफ्ता भर ताले तोड़ा है वो सामने वाले ग्रिल के बरांडे के ग्रिल के भिलाई में, और वैसे ही वो जबरदस्ती हक भी जताना चाहता है किसी भी बातों पर चीज़ों पर। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया फिर? क्योंकि मुझे उसी को कैमरा से जो मैं बोल दी हूँ कि गवर्नमेंट का भी हो गया है कैमरा, क्योंकि बाबा जो ससुर है जिन जब जब उनकी डेथ हुई तब बोले हैं पुलिस स्टेशन से ही बोले कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बाबा ही कंप्लेंट करके गए हुए हैं करके, तब इसलिए पुलिस स्टेशन से मतलब मैं घर से ही 100 बोलती हूँ जो भी कंप्लेंट करनी रहती है, और कंप्लेंट हो भी रही है, और रमेश भाटकर सर भी बात करते हैं, शिवाजी साटम सर भी बात करते हैं। ओके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सब बताया वो आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह से, ठीक है ना, तो हम आपको मिलेंगे बाद में फिर, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो बातें हैं चाबियाँ तो वो मांगते ही रहता है हक से, और साथ साथ में एटीएम कार्ड भी चुराता भी है हक से मांगता भी है, पैसे रुपए भी हक से मांगता भी है चुराता भी है रखे हुए, तुरंत तुरंत समझ में आ जाता है कि निकाल लिए गए हैं करके, जैसे ही नहाने जाओ या दूसरे काम के लिए अंदर जाओ तो वैसे ही उनकी उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियाँ भी कपड़े भी हमारे इधर इधर उधर उधर भी कर देते हैं, और छोटे करते हैं अपने मेजरमेंट के पहनने के लिए, और वैसे ही छोड़ते हैं कपड़ों में कुछ कुछ लगा के रखते हैं, दाग लगा के रखते हैं, छोटे करके लगते हैं कपड़े की पहनने को नहीं मिले टाइम पर। तो वैसे घर में रहते हो? ऊपर रहते हैं उन लोग, हम लोग का घर नीचे है भिलाई में। घर में घुसते हो? हाँ घुसते हैं बिना, हाँ बिना पूछे बिना बताए चाबी या डुप्लीकेट बना कर, और घर भी पूरा अस्त व्यस्त करके रखते हैं, घर के बर्तन भी बड़े बड़े बर्तन घर के बाकी जो सेट होते हैं किचन सेट वगैरह वो भी ले जाते हैं, दिखते नहीं है मिलता नहीं है टाइम पर सामान सब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इनका बाकी चाल चलन, इनका बाकी बर्ताव ठीक रहता है, मतलब काम करना नहाना धोना खाना पीना सब बाकी चलता है, मगर ये सिर्फ एक टॉपिक लिया उनका तो उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ है। ये कभी कभी बढ़ के ऐसा भी होता है कि उनको कानों में आवाज़ आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि टीवी में हमारे बारे में बात चल रही है या रेडियो के ऊपर हमारे बारे में कोई कॉमेंट्री हो रही है या टीवी में उनके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, या फिर कोई आके हमको पकड़ ले जाएगा, हमारा नाश करने वाला है, हमारे लोग खिलाफ है, पुलिस पकड़ लेंगी, और ये वहम रहता है उनको, एक्चुअली रहती है इलाज की ज़रूरत। ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया या पैरानॉइड साइकोसिस करके कहा जाता है इसको, इसके लिए दवाइयां हैं, और दवाइयां समझो वो लेता नहीं है पेशेंट, तो फिर उसको इलाज मतलब इलाज करना वो ज़रूरी है, मगर उसको जानबूझ के फिर भर्ती करो या फिर डॉक्टर ने सर्टिफाई करके, अभी नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया हुआ है उसके मुताबिक फिर उसकी एक जुडिशियल एक सर्टिफिकेट ले लेना, मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट लेना, उसके ऑर्डर लेके उसको एडमिट करना और उसका इलाज करना जरूरी है। काम पड़ा तो फिर उसको शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है, दवाइयाँ और शॉक ट्रीटमेंट से ये लोग पूरे अच्छे हो जाते हैं। जब अच्छे हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार वो तो पता ही नहीं बोलते हमको क्या हो रहा है, तो हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो याद ही नहीं आ रहा क्या हो गया, तो बीच का पूरा वो भूल जाते हैं। दवाई एक साल तक कंटिन्यूस लेना जरूरी है उसके बाद में अच्छा होने के बाद में भी, ताकि दवाई लेते नहीं है ये तो फिर वैसी बीमारी हो सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हम बहम है उनको ऐसा करके छोड़ देते हैं, नहीं वो है ना बहम वाला आदमी है, वो है ना जरा तेरा दिमाग का आदमी है, वो शक करता है ऐसा छोड़ देता है, एक्चुअली उनको बीमारी है और वो बीमारी का इलाज हो सकता है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अरे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, करीब करीब मतलब ऐसा है कि 0.5-1% लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये शक की बीमारी होंगी, शक का व्यक्तिमत्व होगा या पैरानॉइड साइकोसिस होगा कि जिसके वजह से वो परेशान है, उनके आजू बाजू के लोग भी परेशान हैं। तो जरूर वीडियो शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल का चिन्ह जो आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।